सबक दाया और बाया, इसे समझने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, आपको ये तस्वीर नजर आ रही है। इस तस्वीर में दो हाथ बताए गए हैं। उधर वाला जो हाथ है वो हमारा दाया हाथ है और इधर वाला जो हाथ है वो हमारा बाया हाथ है। जी हाँ बच्चों, आप इस तस्वीर पर गौर करिए। इस तस्वीर में दो तीर के निशान बताए गए हैं। उधर वाला तीर का निशान जो है उसका मुंह उस तरफ है, मतलब वो हमें दाएं तरफ की सिमत बता रहा है, और इधर वाला जो तीर का निशान है उसका मुंह इस तरफ है, इसका मतलब ये है कि ये हमें बाएं तरफ की सिमत बता रहा है। अब आप इस तस्वीर पर गौर कीजिए। ये तस्वीर में दो अलग अलग कार बताई गई है। उधर वाली जो कार है उसके आगे तीर की अलामत दाएं तरफ मुड़ी हुई है, इसका मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब यह होता है कि वो कार दाएं तरफ मुड़ेगी, और इधर वाली कार जो है इसके तीर की जो अलामत है बाएं तरफ बताई गई है, इसका मतलब यह होता है कि ये वाली जो कार है ये बाएं तरफ मुड़ेगी। इस तरह से हम और भी कई मजीद मिसालों के जरिए दाएं और बाएं इस तस्वीर को आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है आप इस तस्वीर को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे।